तकरीबन 94 में मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैनेजमेंट कोलकाता ज्वाइन किया। ये एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज है और कई दोस्त बन गए, जैसे सोमा मेहत्रा, शीलादित्य मुखर्जी, ऋचा सेन, अनुपम सेन, पुष्पिता घोष, ऐसे बहुत से नाम हैं, विक्रांत कटाले, अजीत फाड़के हैं, जॉयदीप घोष, इनको कैसे भूल सकता हूँ। अब दोस्ती बनी और प्रैक्टिकल शुरू हुए हमारे होटल मैनेजमेंट के। तो होता क्या है, इंडक्शन होता है और इंडक्शन के बाद हमारे फैकल्टी ने बोला कि आज कुछ बना के दिखाइए जो आपने कुछ सीखा इतने दिनों में। अब होता है ये है कि जो प्राइम कट्स ऑफ मीट होते हैं वो तो मिल जाते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर्स को, हम बेचारे फर्स्ट ईयर्स को मिलते हैं चीपर कट्स ऑफ मीट। तो हमें चिकन के नेक और विंग्स दे दिए गए, कुछ बना के दिखाइए इससे, क्योंकि वो भी जानते हैं हम शायद इसको वेस्ट ही करेंगे। तो हमने एक चिकन करी बनाई भाई, उसकी रेसिपी तो भी आप देख लीजिए और फिर बताता हूं क्या हुआ था। मेरे कॉलेज की शेफ करी बनाने के लिए आज लिए मैंने टमाटर और कुछ कटे हुए प्याज और ये आलू जिनके छिलके भी नहीं छीले मैंने। कुछ अजीब ही था मैं कॉलेज में, कुछ कतली हुई हरी मिर्च, शायद आज केटिंग बेटर है मेरी, और चिकन विंग्स और चिकन लेग्स यही दिए थे उन्होंने, क्या करें। अब पता नहीं ये मैरिनेशन का कॉन्सेप्ट मैंने तब कॉलेज में ठीक से कहां से सीख लिया। डाल दिया सॉल्ट और टर्मरिक और हल्दी शायद कुछ ज्यादा डाल दी थी मैंने, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और कुछ हींग। शायद घर पे खाना बनाने का यही फायदा हुआ कि पहले दिन ही मैरिनेशन का कॉन्सेप्ट तो देखिए आता ही था। और अब डाल दिया थोड़ा दही, ये टेंडराइजर का भी काम करता है और खटास का भी। वैसे ये सब टेक्निकलिटी आज पता है, पहले कुछ नहीं पता था, बिलीव मी। नाउ दिस वाज द मोस्ट जंबल्ड अप रेसिपी। हर खाना बनाने का एक सीक्वेंस है, जैसे आप करी बना रहे हो तो करी में पहले ऑयल जाएगा, फिर जीरा जाएगा, फिर ग्रीन चिलीज जाएगी, फिर अनियंस जाएंगे, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर टमाटो, फिर मीट या वेजिटेबल। ये करी का नॉर्मल सीक्वेंस है। मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, अनियन टमाटो कब जा रहे हैं पता नहीं, करी में हींग जा रही है, जिंजर गार्लिक पेस्ट आखिरी में जा रहा है, मगर एंड रिजल्ट बड़ा ही शानदार बना, सबको बड़ी पसंद आई। दोस्तों में भाई चल गई अपनी कि रवि सावंत तो भाई पैदाइशी शेफ हैं, बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है लाइफ में कि आप बेवकूफ़ी करते हैं मगर चल जाती है, तुक्का लग जाता है, वो उस दिन वो तुक्का लग गया। इस तुक्के वाली चिकन करी का मैरिनेशन तो देखिए कंप्लीट हुआ। अब ले लिए मैंने कढ़ाई और सरसों का तेल। सरसों के तेल से उपयुक्त मुझे शायद ही कोई तेल लगता है। और डाल दिया जीरा और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। जीरा डालते ही जीरे का डांस शुरू हो जाएगा और मिर्चा उसका साथ देगी। और डाल दिए चॉप अनियंस और बराती भी आ गए चॉप अनियंस के रूप में। अब देखिए हिलाना तो पड़ेगा इनको, ये तो यूनिफॉर्म कुकिंग होगी कैसे। अब ढक्कन लगा दिया ताकि प्याज थोड़े अच्छे से पक जाए और अब डाले खड़े मसाले। है ना उल्टी सीक्वेंस, ये पहले जाने चाहिए थे और जा रहे हैं प्याज डालने के बाद। ना जाने क्या दिमाग में था मेरे। अब जो भी था, इस तुक्के की रेसिपी से काम तो देखिए हो गया। और डाल दिए आलू बगैर छिलके के, सॉरी छिलके के साथ। आजकल हैबिट ही नहीं रह गई मेरी विदाउट छिलके बनाने की। अब देखिए इसको पका रहे हैं, दो फायदे हैं देखिए इससे। थोड़ा आलू पहले ही पक जाएगा, आलू को पकने में चिकन के बनस्पत ज्यादा वक्त लगता है और विंग्स और नेक वैसे ही सॉफ्ट होते हैं। अभी जो चिकन विंग्स कॉलेज में मैरिनेट किए थे ना, वो आज डाल रहा हूँ आंडी में, सॉरी कढ़ाई में। खुशी के मारे आज सब कुछ उल्टा पुल्टा निकल रहा है,
काफी एक्साइटमेंट है इस समय ये रेसिपी बनाते समय। अब इसको मिक्स कर दिया। जब ये मैं कर रहा था विक्रांत पीछे से देख रहा था और एलन को बोल रहा था तेरा प्रैक्टिकल कब है। ये डाल दी कसूरी मेथी। एलन और जीवन सुब्बा बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ना जाने मुझे क्यों ईर्ष्या हमेशा से रहती थी कि इनकी दोस्ती का हिस्सा मैं क्यों नहीं। और डाल दिए टमाटर, चॉप टमाटर। जीवन सुब्बा रहता था मेरे हॉस्टल में, एलन रहता था एक दूसरे हॉस्टल में। एलन आज एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, उसकी खुद की एक बेकरी भी है नॉर्थ ईस्ट में। और डाला फिर से धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च। मैंने सोमा के बारे में बताया था ना, वो मेरी फैन बन चुकी है। उनके हस्बैंड अविक भी मेरी रेसिपीज फॉलो करते हैं, बॉम्बे में रहते हैं वो। और शीलादित्य मुखर्जी तो अब जीएम बन चुके हैं भाई, बड़ा आदमी है। और डाल दिया पानी। ये शेफ करी अब बनती जा रही है। अजीत और जॉयदीप ये दोनों लखनऊ के ही थे मेरे साथ, और हम लोग पूंछ के साथ हमेशा वहां चिपके रहे। ये देखिए जूम इन उस शेफ करी का, एंड पुष्पिता स्टिल लव्स इट। अब होना यूं लगा कि कॉलेज का फंक्शन हो, एनुअल डे हो, कुछ भी हो, कोई फैकल्टी ही छोड़ के जा रहा हो और खाना बना रहा हो। बस हम बन गए शेफ, हमें चढ़ा दिया चने के झाड़ पे। अब इस चने के झाड़ पे चढ़े चढ़े हमने ज्वाइन करी होटल इंडस्ट्री साहब। 3 साल तो बीत गए, वहाँ तो बहुत बड़े शेफ थे। वहाँ पहुँचे, आई वॉज अ मैनेजमेंट ट्रेनी एट जहनुमा पैलेस होटल इन भोपाल। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल इन द कंट्री। और वहाँ क्या थे हम, क्या टिड्डी और क्या टिड्डी का शोरबा साहब। हम कॉलेज से निकले हुए जो सुपर सुपर बड़े वाले शेफ, उस किचन में जाके बन गए सबसे नीचे वाले शेफ, जिसे कुछ नहीं आता भाई, काइंड ऑफ यूजलेस गाय। शेफ ने हमारी ड्यूटी लगा दी कोल्ड रूम को साफ करने में। तुम कैसे कोल्ड रूम साफ करोगे, हम भी क्या करते, और कुछ तो आता नहीं था तो कोल्ड रूम साफ करने लग गए। कोल्ड रूम वो जगह है जहां पे होटल्स में सब्जियां नॉनवेज वगैरह स्टोर होती है। अब रोज आना वही काम, कोल्ड रूम की घिसाई लगे हुए हैं। अब समय बीत रहा था, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था। बनना तो शेफ चाहते थे, ईगो तो हर्ट हुआ ही था। शेफ से दरखास्त देके पहुंचे, शेफ कुछ कीजिए हमारा, हम भी शेफ बनना चाहते हैं, हमें वहां से मुक्ति दिलाइए ताकि हम भी कुछ सीख सकें। शेफ ने बोला एक काम करो, कल तुम मेरे लिए एक चिकन बनाओ। ठीक है सर, अगर पसंद आ गया तो मुक्ति, नहीं पसंद आया तो लगे रहो। अब मैं कंफ्यूज साहब, यहाँ इतने बड़े बड़े शेफ्स हैं जो इतना अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, मैं उनके सामने क्या बनाऊंगा, वो भी एग्जीक्यूटिव शेफ के लिए। मगर चलो, फिर ध्यान आया अपने कॉलेज की वो शेफ करी जिसने हमें वहाँ फेमस बना दिया था, वो चिकन नेग्स और चिकन विंग्स वाली। हमने कहा यही बना देते साहब, और कुछ तो आता नहीं, वही जम्बल्ड अप रेसिपी टेढ़ी मेढ़ी हमने बना दी शेफ के लिए। बन भी गई, मतलब क्या हुआ, यहां भी चल गई। जी यहां भी वो चल गई, हमें मुक्ति मिल गई कोल्ड रूम साफ करने से, बिलीव मी। और वो शेफ करी के नाम से वहां भी फेमस हो गई। जब भी काम कम हो या आला कार्ट ऑर्डर्स खत्म हो जाए, हमारे शेफ्स कहते हैं यार रवि वही शेफ करी बना, हम विंग्स लेते और नेक लेते और वही टेढ़ी मेढ़ी चिकन करी बना के उनको खिला देते, वो सब खुश होते और हमें हाथ पकड़ा के अपना सिखाने लग गए। हम सीखते चले गए और यहाँ तक आज उन सब की कृपा से पहुँचे हैं, और पहुँचे हैं उस शेफ करी से। रेसिपी कैसी लगी थी आपको, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, सबक तो मिलेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में प्लेटिंग करने के लिए बर्तन भाड़े पे लेते थे, आज मैंने फिर से वही रिक्रिएट किया है। अब भाड़े पे तो नहीं लिए, पर घर पे जो सबसे पुराने टाइप के प्लेटर थे वो चुन लिए, और वैसे ही ग्रीन सैलड और वैसे ही एक पुलाव राइस लगाया जैसा एक कॉलेज स्टूडेंट करता है, और मजा आता है।
ऐसी पुरानी चीज़ों को रिक्रिएट कर रहे हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मोटिवेशन बनाकर रखता है। और अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।